अब तक आपने देखा, डाकुओं का साथी माधव लोभ को लेकर असमंजस में है। उसे सुलझाने हेतु रामा माधव को अपने साथ दरबार लेकर जाता है और रानी के मन में छिपे प्रतिष्ठा के प्रति लोभ से अवगत करवाता है। एक और सर्वोत्तम राज्य प्रतियोगिता जीतने के लिए अकबर एक भव्य मीनार का निर्माण करवाते हैं, तो दूसरी ओर महारानी सुलक्षणा देवी प्रतियोगिता के निर्णायकों को प्रभावित करने के लिए संपूर्ण विजयनगर को स्वर्ण मुद्राओं से सजाने का आदेश देती हैं। अब आगे आइए बीरबल, आइए। हम आप ही को याद कर रहे थे। वो दो लोग जो काजी बन के आने वाले थे, उनका क्या हुआ? माफी जहांपना, अभी तक तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही पता लग जाएगा। ये दोनों कौन है? नेत्रहीन है जहांपना। लेकिन इनको यहाँ लाने का सबब क्या है? जहांपना, आपका हुक्म था कि आपकी रियासत में 25,000 से ज्यादा आबादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों को मिलाकर 25,002 की गिनती हो रही है। अब मुझे तो इसका एक ही हल दिखाई देता है, इन दोनों को सजाए मौत दी जाए। बिल्कुल, आप ये क्या कह रहे हैं? जहां पना, अगर इन दोनों का सर कलम करवा दिया जाए तो रियासत की आबादी फिर से 25,000 हो जाएगी। आप हुक्म कीजिए, सैनिकों से कहकर अभी इनका सर कलम करवा देते हैं। हाँ बिल्कुल, आप इनका सर कलम करवाइए। सिपाहियों, इन्हें ले जाओ और इनका सर कलम कर दो। अरे छोड़ो, अच्छा तो इस प्रकार आप अपनी जनसंख्या को नियंत्रण में रखते हैं। कल पुनः फिर से 2-4 मनुष्यों की वृद्धि हो जाएगी तो उनका भी सिर कलम करवा देंगे। जो जहां पना ने कह दिया वही उचित है। जल्दी से बताओ, तुम दोनों की आखिरी इच्छा क्या है? आप हमारा सिर कलम नहीं कर सकते हैं। और आप बादशाह सलामत के आगे गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं। अब तो तुम दोनों के सर कलम होकर ही रहेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? हम आपके राज्य के निवासी नहीं है। तो अब ये भी बता दीजिए कि आप दोनों हैं कौन? हम दोनों सर्वोत्तम राज्य प्रतिस्पर्धा के निर्णायक हैं, जो इसी तरह भेष बदल कर हर राज्य में घूम घूम कर निरीक्षण कर रहे हैं। और यहाँ आके पकड़े गए क्योंकि आप लोग भूल गए इस राज्य में बीरबल रहते हैं, और जिनकी नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बीरबल, एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि ये लोग देख सकते हैं? जहां पना, हमारे दादाजी एक कहावत कहा करते थे कि केशहीन को कंघी और नेत्रहीन को आईना, कोई काम आए ना, कोई काम आए ना। और हमने देखा कि ये दोनों आईने की दुकान के सामने से गुजर रहे थे। और जहां पना, हर इंसान की फितरत होती है, जब भी वो आईने के सामने आता है वो अपने आप को देखता जरूर है। आदतन इन दोनों ने भी अपने आप को देखा और मैंने तुरंत पहचान लिया कि ये दोनों भेद बदल कर रियासत अव्वल का फैसला करने के लिए आए हैं। माफ कीजिएगा, आप दोनों को इस तरह यहां पर लाना पड़ा, माफ कीजिए। आई आई, और सच बुलवाने के लिए ये सब नाटक करना पड़ा। बीरबल जी, आपके बारे में जितना सुना था ठीक वैसा ही पाया। और मुगलिया सल्तनत की शान और शौकत के बारे में आपने जैसा भी सुना होगा बिल्कुल वैसा ही पाएंगे।
ये देखिए, पूरी की पूरी मीनार संगमरमर और हीरो से बनी हुई है। सुंदर, अति सुंदर और कितनी विशाल है, अकल्पनीय, अद्भुत। हमें खुशी हुई कि आपको ये मीनार पसंद आई। हमें मीनार भी पसंद आई और बीरबल जी की बुद्धि के आगे हम नतमस्तक भी हो गए। तो इसका मतलब जीत हमारी हुई। वैसे तो हमें नहीं लगता कि कोई और राज्य आपके सामने जीत पाएगा, किंतु अभी एक और राज्य का निरीक्षण शेष है जिसका नाम है विजयनगर। विजयनगर जो राज्य इतने सालों में ना जीत सका, वो इस बार हमें क्या हराएगा? यही तो आप समझ नहीं पा रहे हैं जहांपनाह। अब पंडित रामकृष्ण लौट आए हैं विजयनगर, और समस्या चाहे जितनी हो विकट, रामा हो जाते हैं प्रकट, और इस विकट समस्या को सुलझाने में भी वो पीछे नहीं हटेंगे। इतना सुशोभित लग रहा है विजयनगर, ऐसा लग रहा है कि बस देखता रहूं, निहारता रहूं। अब निहारते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? अवसर अच्छा है, थोड़े स्वर्ण की चोरी कर लेते हैं। ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप लालच कर रहे हैं? अरे मुझे खुद सदाचार का पाठ पढ़ाकर आप खुद चोरी करने जा रहे हैं? आपके भीतर इतना लोभ। मैंने तो पहले ही कहा था कि लोभ सबके भीतर में होता है, और देखो तुम्हारी शंका का समाधान कल होगा। अभी मुझे शांति से चोरी करने दो। गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? अरे गुरुजी चलिए ना, हो गया बस। ठहरो ठहरो, अन्यथा प्राणों से हाथ धो बैठोगे। रुको 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 रुको, तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमारे राज्य में चोरी करो? जिन हाथों से चोरी की है उन हाथों को तुम्हारे शरीर से अलग कर देंगे। नहीं नहीं, देखो ऐसा मत करना। अरे तुम लोगों को ज्ञात नहीं है कि ये कौन? वो देखो वहां क्या है। क्या हुआ, चौक है कि हम पीछे क्यों नहीं मुड़े? ये विजयनगर है, यहाँ पंडित रामकृष्ण रहते हैं। उन्होंने हमें शिक्षा दी है कि कोई कितना भी आपका ध्यान भटकाने का प्रयत्न करे, आप अपना ध्यान भटकने ना दें। अच्छा, तो ये सिखाया है उस रामा ने तुम लोगों को? ए? रामा नहीं, पंडित रामकृष्ण कहकर संबोधित करो उन्हें। सही कहा सैनिक महोदय ने, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, किंतु मेरी बात मानो, ये जो स्वर्ण मुद्राएं है ना, इसका बंटवारा आपस में कर लेते हैं, उसके पश्चात हम दोनों को जाने दो। पंडित रामकृष्ण ने हमें ये भी सिखाया कि लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तो कृपया करके आप हमें लोभ के जाल में फंसाने का प्रयत्न ना करें। बड़ा विचित्र आदमी है तुम्हारा ये पंडित रामकृष्ण, बाकी सारी बातें सिखाई किंतु तुम्हारे लाभ की कोई बात नहीं सिखाई। सावधान, अगर एक बार और रामा कहा तो। नहीं 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 कहूंगा, नहीं कहूंगा। पंडित रामकृष्ण की जय, पंडित रामकृष्ण की जय। मुझसे त्रुटि हो गई जो मैंने उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। अब तो मैं प्रातः काल से संध्या काल और संध्या काल से रात्रि काल तक केवल उनका गुणगान ही करता रहूंगा। पंडित रामकृष्ण की जय, पंडित रामकृष्ण की जय। अब तो हमें जाने दो। नहीं, हम तुम्हें बंदी बनाकर महारानी और पंडित रामकृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मुझे मेरे ही समक्ष प्रस्तुत करेंगे क्या? ना ना, कुछ ना कुछ ना, मैं तो केवल ये कह रहा था कि अरे तुम्हारा वो पंडित रामकृष्ण बड़ा ज्ञानी बना फिरता है, जबकि महाअज्ञानी है वो, बुद्धिशाली नहीं बुद्धिहीन है वो। पंडित रामकृष्ण के बारे में अगर एक भी अपशब्द कहा तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, पकड़ो इसे। अरे
ये क्या आप सब तो गिर गए? क्यों? तुम्हारे उस परम पूज्य श्री 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 पंडित रामकृष्ण ने तुम्हें ये सिखाया कि लोभ मत करना, ध्यान मत भटकने देना, किंतु ये नहीं सिखाया कि चौकन्ना रहना। ये रस्सी कैसे बांधी तुमने? पंडित रामकृष्ण की जय, पंडित रामकृष्ण की जय, पंडित रामकृष्ण की जय, पंडित रामकृष्ण की जय। देखा सैनिकों में लोग नहीं जाने आपकी बातों में आ जाते। देखा लोभ निहत्था कर देता है ऐसे। तो भागो। ये तो पंडित रामकृष्ण है, ये चोरी कैसे कर सकते हैं? महारानी विजयनगर का कोना कोना स्वर्ण मुद्राओं से स्वर्ण की भांति चमक रहा है। आप देखिएगा उन दोनों निर्णायकों की आंखें इस चमक से चकाचौंध हो जाएंगी। आइए आइए देखिए महाराज। महामात्य जी, क्या ये विजयनगर की सीमा की बाहर का स्थान है? जी नहीं महारानी। आपने तो कहा था कि विजयनगर का कोना कोना सुसज्जित है, क्या है ये सब? महारानी हमने इस स्थान का स्वयं निरीक्षण किया था। महारानी ये स्थान तो स्वर्ण मुद्राओं से सुसज्जित था। कहाँ है स्वर्ण मुद्राएं? हाँ इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं किसी ने चोरी तो नहीं की? क्या चोरी? जी महारानी चोरी हुई। क्या महामात्य जी आपको ज्ञात है ना कि वो दोनों निर्णायक यहाँ किसी भी वक्त आ सकते हैं? फिर महारानी हम उस चोर को छोड़ेंगे नहीं जिसने हमारे होते हुए स्वर्ण मुद्राएं चुराने का दुस्साहस किया। कुछ अनुचित दे दिया। नहीं महारानी हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे रहते उसकी हिम्मत कैसे हुई स्वर्ण मुद्राएं चुराने की? हाँ और नहीं तो क्या? हाँ गुरुजी बताइए आपके रहते उस चोर ने स्वर्ण मुद्राएं चुराने की हिम्मत की तो कैसे की? स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे पास कैसे आई? हे शिव शंभू रक्षा करना, चोरी पकड़ी गई, अब क्या होगा? धनी मनी ये स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे पास कैसे आई? गुरुजी गुरुजी इसका उत्तर गुरुजी के पास है। लगता है अब तो प्राण गए। हे शिव आ रहे हैं हम। राजगुरु जी उत्तर दीजिए। वो क्या कर रहे हैं बोलिए। वो महारानी वो क्या है कि गुरु जी
इतना हिचकिचा हिचकिचा क्यों रहे गुरुजी? महारानी के सामने जो सत्य है वही बता दीजिए। सत्य तो तुम्हें भी ज्ञात है ना, तुम बताओ। हाँ महामत्य जी, हमारे गुरुजी ने कहा था कि सारी स्वर्ण मुद्राएं निकाल लो। हाँ, हमने कहा था क्योंकि महारानी भगवान शिव ने स्वप्न में हमें दर्शन दिए और हमें कहा। आचार्य, ये चोरी होने वाली है। गुरुजी, गुरुजी आप तो महान है, महान है गुरुजी। दादी को एक बार पुनः पूरे विजयनगर को सुसज्जित कर दो। पुनः ये लीजिए, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। सैनिक, ये चोरी किसने की है? चोर का कुछ पता चला है? जी महारानी, चोर पकड़ा गया है। कौन है वो चोर? चुप क्यों हो, कौन है वो चोर? बोलो, कौन है वो चोर? वो सैनिक, शीघ्र बताओ उस चोर का नाम क्या है? पंडित रामाकृष्ण। रामकृष्ण, समस्त सैनिकों ने कभी विचार भी नहीं किया था कि आप ऐसा कृत्य करेंगे। मेरा तो ईश्वर से ही विश्वास उठ गया है, आप ऐसा कर सकते हैं। पंडित रामकृष्ण जी, आप मुस्कुराना बंद करेंगे? क्षमा करें महारानी, मेरा मुखमंडल ही ऐसा है। ये देखिए, ये देखिए, लज्जा नहीं आती आपको पंडित रामकृष्ण? हम सोच भी नहीं सकते कि आप पंडित रामकृष्ण जी आप चोरी कर सकते हैं। क्या आवश्यकता थी आपको ये सब करने की? क्या आपका वेतन आपके लिए पर्याप्त नहीं था? पंडित रामकृष्ण, चोरी की हुई स्वर्ण मुद्राएं कहाँ हैं? वो तो मैंने फेंक दी। आपने स्वर्ण मुद्राएं फेंक दी? जी महारानी, यदि विश्वास न हो तो सैनिकों से पूछ लें। जी महारानी, जब हम इन्हें बंदी बनाने के लिए इनके पीछे दौड़ रहे थे, तब ये स्वर्ण मुद्रा को यहाँ से वहाँ फेंक रहे थे। अवश्य फेंक रहे होंगे ताकि पकड़े जाने पर इनके पास कोई साक्ष्य ना रहे। तभी पकड़े गए ना पंडित रामकृष्ण। किंतु प्रतियोगिता का क्या? महारानी, दोनों निर्णायक विजयनगर में प्रवेश कर चुके हैं, अब उन्हें विजयनगर में कोई साज सज्जा दिखाई नहीं देगी। विजयनगर के वैभव का परचम लहराता हुआ दिखाई नहीं देगा। महारानी, अब विजयनगर की पराजय सुनिश्चित है। और इस सब का कारण पंडित रामकृष्ण है। उन्हें तो राजद्रोह के दोष में मृत्यु दंड मिलना चाहिए। जी हां महारानी, इन्हें तो मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। आपने उचित कहा, पंडित रामकृष्ण जी दंड के भागी हैं। इसे कहते हैं चित भी अपनी और पट भी अपनी। रामा को तो मृत्यु दंड मिलेगा ही, और पराजय से क्रोधित प्रजा का विश्वास रानी से भी उठ जाएगा। और फिर
इस राज्य सिंहासन पर हम बैठेंगे, हम महामात्य नहीं महाराजा बनकर। महारानी की जय हो। दो मनुष्य आपसे मिलने की हट कर रहे हैं, वो भी अभी। नहीं, इस समय हमें किसी से भेंट नहीं करनी, जाओ यहाँ से। मैंने कहा है महारानी, किंतु वे दोनों कहने लगे कि हम नेत्रहीन हैं और पुनः आना संभव नहीं। अरे चुप रहो, तुम्हें देख नहीं रहा यहाँ पर ज्ञान मंत्रणा चल रही है? बीच में चले आए उनका संदेश लेकर। जाओ यहाँ से, जाकर उनसे कह दो कि वो भी यहाँ से जाए। रुको, क्या कहा तुमने? वो दोनों नेत्रहीन है। जी महारानी। उन्हें ले आओ। महारानी की जय हो। महारानी जी, हम दोनों नेत्रहीन हैं, कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप हमारे खान पान रख रखाव का ध्यान रखें। हमारा जीवन पोषण आप ही को करना है। क्षमा कीजिए महारानी, अब हमें बोलना ही होगा। कितनी निर्लज हो तुम दोनों, हैं? यहां आकर महारानी को उनका कर्तव्य समझा रहे हो, महारानी को आदेश दे रहे हो। राजगुरु जी, आप शांत हो जाइए। मन तो नहीं कर रहा शांत रहने का, किंतु आप कह रही हैं तो हो जाती है शांत। इस विषय में आपका क्या कथन है? रानी, इनका कथन सत्य है, क्योंकि ये दोनों नेत्रहीन हैं, अतः इनके भरण पोषण का उत्तरदायित्व तो राज्य का ही होना चाहिए, अतः इन्हें कारागार में रखवा दीजिए। कारागार क्यों? रानी, अब नेत्रहीन के लिए क्या कारागार और क्या महल? कारागार में इन्हें भोजन प्राप्त होगा, वस्त्र भी प्राप्त होंगे, निवास करने के लिए कोठरी मिलेगी जहां ये सुरक्षित भी रहेंगे। अन्यथा मार्ग में आते जाते समय तो इनके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए इन दोनों के लिए कारागार से उपयुक्त और कोई स्थान हो ही नहीं सकता। सैनिकों, इन दोनों को कारागार ले जा। रुको, तुम, हम दोनों को कारागार में नहीं डाल सकते। और नहीं तो क्या, महल में रहोगे? सत्य वचन कहा आपने, हम तो चाहते हैं कि आप हमारा महल में आतिथ्य करें। कौन है आप दोनों? महारानी, ये दोनों वही हैं जिनकी हम सबको प्रतीक्षा थी। विजयनगर साम्राज्य में आप दोनों का स्वागत है। महारानी, ये दोनों सर्वोत्तम राज्य प्रतिस्पर्धा के निर्णायक हैं, जो इस समय नेत्रहीन का भेष बदलकर हमारे समक्ष आए हैं। ऐसी नटखट मुस्कान से तो हम सब अवगत हैं, किंतु हम कृष्णदेव राय इनके परम मित्र होकर भी समझ नहीं पा रहे कि क्या चल रहा है पंडित रामाकृष्ण के मस्तिष्क में। आखिर क्यों चुराई उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं और फेंक भी दी? अब ये देखना रोचक होगा कि क्या होगा निर्णायकों का निर्णय। प्रतियोगिता में हारेगा विजयनगर या मिलेगी विजय?